उत्तर प्रदेश चुनावों की तैयारियों के बीच बहुजन समाज पार्टी ने भी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन पर हुंकार भरी है। मायावती ने अपने 67वें जन्मदिन के मौके पर यूपी में पहले दौर के मतदान के लिए 53 उम्मीदवारों की सूची जारी की। मायावती अपना जन्मदिन बसपा कार्यकर्ताओं के साथ जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर धूमधाम से मनाने के लिए जानी जाती हैं। लेकिन इस बार कोविड और चुनाव आचार संहिता के चलते बहन जी ने लखनऊ के बसपा कार्यालय में पार्टी के सादे कार्यक्रम में ही अपना जन्मदिन मनाया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस मौके पर यूपी की सत्ता में वापसी का दावा किया। हाल में सपा में बीजेपी से शामिल हुए नेताओं को लेकर मायावती ने दल बदल कानून को और कड़ा बनाने की भी मांग की। मीडिया से बातचीत में मायावती ने कहा कि बसपा में आने के बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य की किस्मत खुली, वह पहली बार बीएसपी से ही एमएलए बने। इससे पहले वह जनता दल और लोक दल में रहे लेकिन कभी चुनाव नहीं जीत पाए थे। मायावती ने कहा कि भाजपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को 5 साल तक ढोया। 2017 के चुनावों में बीएसपी का यूपी में निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। राज्य में 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की पार्टी को 2017 के चुनावों में 403 में से मात्र 19 सीटों पर ही जीत मिली थी। हालांकि इसके बाद 2019 में हुए लोकसभा के चुनावों में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर 80 में से 10 सीटों पर कब्जा जमाया था। 2022 के विधानसभा चुनावों में फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। मायावती को भरोसा है कि इस चुनावों में बीएसपी बड़ी दावेदार बनकर उभरेगी। मायावती के खुद चुनाव लड़ने को लेकर बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह किसी भी सीट से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। मायावती इस वक्त न तो संसद सदस्य हैं और न ही वह यूपी विधानसभा या विधान परिषद की सदस्य हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भरोसा जताया कि पिछली सरकार में उनके कामकाज के आधार पर जनता बीएसपी को फिर से जिताएगी। उन्होंने कहा कि विरोधी बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन जनता उनके इन हथकंडों को समझ चुकी है। मायावती ने कहा कि बीएसपी हर वर्ग की भलाई के लिए सरकार चलाएगी। इस दौरान मायावती ने यह भी कहा कि सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल के साथ पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी पार्टी के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।